बस क्या बताऊं, बस मिलेंगे तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खुदा हाफिज। क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी हुई है घर से माँ से सबसे बिल्कुल लाताल्लुक हो गए हो। खुद से आप लाताल्लुक हो गई हैं और आपसे मैं, क्या फर्क पड़ता है? बस करो अब यार। नहीं, बोलने दो उसे, कह रहे तो जो कुछ इसके दिल में है, पता तो चले कितना जहर भरा हुआ इसके दिल में माँ और भाई के खिलाफ। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपके फैसलों के खिलाफ हूँ। जिन पर आपको बड़ा भरोसा है ना, कल को जब वो भरोसा टूटेगा तो आप पछताएंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का, क्योंकि तुम्हें मेरे बजाय अपनी बहन पर भरोसा है ना। सो इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं, और बेहतर होगा कि अब तुम इस मामले में ना पड़ो। मैंने खुद सुना, जैसे भाभी नीनू को लेकर गई थी वैसे नारानिया के साथ भी थी वो आज। तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो अब्रार? नीनू ठीक कह रही है अब्रार, तुम बिला वजह सारी तोपों का रुख अपनी तरफ कर रहे हो। तो फिर क्या डिसाइड हुआ तुम तीनों के बीच? क्या मतलब? मतलब तो तुम बताओ ना, जो नेहा की बातों में आकर अपने घर का सुकून बर्बाद करने पर तुले हो। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान। ऐसा ही है, वरना इस वक्त यहां पर बैठकर क्या कर रहे हो तुम लोग? यकीनन मुल्क के हालात और मौसम के ऊपर तबसरा तो नहीं कर रहे होगे। और तुम तो समझदार हो, बजाय इन लोग के समझाने के खुद भी इस मेस में पड़ रहे हो। मजीद मेस ना फैले यही समझा रहे हैं इसे। जो तुम बोल रहे हो बात वही है, लेकिन यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा। भाईजन जब दिल में शक पैदा हो जाए ना, तो यकीन आप भी नहीं। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता।